चला गए ने सिद्धो का चाल ले बुड्ढा, खुद भी मरा गो मन ने भी मारा गो प्राण की आंग लिख रहा है केले हो प्राण है सीधो चाल भाई कसुत्ती गर्मी हो रही चल सीधो चाल पागल तो ना मरा गो बुड्ढा गानो ले सिद्धो बाबू बेटा डॉक्टर गया ना घनी बार होली इब ताई आई कौन से बेरा ना बाबू परेशान तो ना कर देगा उन्ने आनू ले बैठ जाओ रा बैठ जाओ अब्बू बैठ जाओ नहीं भाई नू कर तो मने थोड़ा पानी पिया दे बाबू क्यों जानबूझ कर का बावड़ा हो रहा सा है तेरा भाई को नहीं लागू बेटा लागू सू अच्छा तू मेरा बेटा लगे तो मने बेटा थोड़ी चाय पिया दे हे भगवान खा लिया मैं तो इस बुड्ढे ने खा लिया मन खाना खा लिया सो मेरा कूड़ा करा दे हाँ करवा दिया तेरा कूड़ा इब सो जा करवा दिया मेरा कूड़ा हाँ अच्छा इब मैं सो हाँ सो जा सो जा मैं हाँ सो जा बाबू यो भाई पढ़ तो गया थोड़ी देर तो चुप रह गए बिना सेल का रेडियो के बात होगी क्यों छो में आ रहा है के छो मार रहे हूँ इस बुड्ढे ने तो मैं घना परेशान कर दिया के परेशान कर दिया बाप से तेरा और देख तने भी उम्र में आना है ना मन्ने के उम्र पकड़न देगा पहले ही मार देगा चाला होगा तेरा बाप ने तो तेरा नाम राम काट दिया था और तेरे काम राम वाले को नहीं मैं पहले ही परेशान हो रहा हूँ और मेरा दिमाग खराब ना करे मैं दिमाग खराब को नहीं करूं दिमाग खराब कर रखा था ना अपनी सोचते हैं मैं तो ठीक करने की कोशिश करूं हूं सोना तो किसी की भी ना भाई ओके के भी कसूती लत लाए गरी छा ना मिला तो जीन बीत जा ये पीवा है सुखता बैठ के अरे भाई आ जा बैठ जा और भाई तेरी कसूती है सारी है उक्का भी इस डाला पीन लाग रहे हैं जनो कई गांव का प्रधान लाग रहे हो अरे की साहब प्रधान तड़के का ई बोका भरया है यार कति पाख सी पाट रही है भाई पाख तो तेरी के पाख तो मेरी पाट रही है के बात के काम छेड़ दिया तने अरे भाई के काम छेड़ दिया बुड्ढे ने तो कति खा लिया मैं तो भाई बुढ़ापा से और ऊपर तो याददाश्त जारी से दुखी तो कराएगा भाई बुड्ढे ने तो कति परेशान कर रखे हूं मरे भी कोनी मर जा तो पांडा छुट्टा तो सुख की सांस ले तो लेवा मर रहा है तो जब गाना जब इसके सांस पूरे हो जाएंगे तेरे दौरा इसका कोई इलाज कौन है भाई तेरे दौरा की इलाज है तू बता दे हम तो तेरी मान लेंगे इलाज तो सह पर तेरे तो वो कौन है भाई बहुत परेशान पा रहे हूँ तू झुक कर गा गाना वैतरा ही कर लूंगा सुन फिर बता ठीक सब आए मेरा आगे समझ में तन्ने झुक कर कैसे ने मैं इतना ही करूंगा भाई दे मरेगा न्यू कर देगा तो कर दे काम टेम तक ठीक सब आई इम मैं चल लू चल ले किच्छो उक्का तो पी ले सुखता बैठ के रे भाई उक्का भी पी लेंगे चार पांच दिन की बात से फिर बढ़िया तरीका पीवांगे उक्का ठीक सब आए ठीक भाई अरे वाह रे ताऊ देश राज के राम तरा क्यों कर ले खा लेगा मन न कही और तने मान ली पर देखो कलियुग का राम से के करेगा अपने बाबू गल्ला बाबू रोटी ले दू के आए कौन सा तू मेरे पिछाड़ में ना आई बाबू मैंने भूल गया के मैं कविता सू कविता हाँ बोल कविता बेटी के काम आई से मैं तेरे बेटे राम की बहू सु कविता राम मेरे तो राम कोई बेटा है को नहीं तू क्यों इस पागल गल पागल हो रही सा जाक अपना काम कर ले है यो कौन आ गया बीच में बाबू यो ही तो सतर लाडला बेटा राम आए तू के जाना किसने यो राम से यो राम कोनी हाँ कोनी मैं राम
बस इप चुप हो जा। बाबू ने चेबावले पण में कही से, पर कही कती ठीक से। तू तो राम कोनी और राम होना तो दूर, तू तो रावण जी सा भी कोनी। अरे कौन सतम दनु और क्यों गोलो हो? बाबू हम तेरे बहु बेटे सा, और नू कर रोटी खा ले। रोटी? रोटी तो मैंने खाई थी। रोटी रोटी नहीं बाबू, तो ना मारा खून खा लिया। खून है मारा? खून खा लिया? मेरा तो ना खाया, और ना मैं बाबू तो तंग आ रही बुढ़ा आदमी से, यादाश्त जा रही से। ठीक जानबूझ को नहीं करे या? मेरा खा लिया और आज कटूंगा रोग। रोग कटेगा? मतलब? मतलब बाबू ने दवाई दुआ के लाऊंगा और वो मैं पर्ची ढूंढ लिया हूँ और तू पीछे लिया। ठीक से तो ढूंढ ले पर्ची, में पैसे ले आऊं। चल बाबू सीधा चल, देखियो अस्पताल आ गया। चल 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 सीधा चल। बोल ने बाबू भीतर। कैसी तबीयत है बाबा की? मेरे क्यों रहा है? मैं तो ठीक हूँ। तू कौन है? कित ले आया मने? देख ले डॉक्टर साहब, तबीयत का यो हाल है। मन्ने बिनू कह है, कौन से तू? कोई नहीं, इनकी याददाश्त जाने की वजह से भूल गए हैं कि आप इनके बेटे हैं। भूल के गए डॉक्टर साहब? कत्ते भूल गया, पहचानता ही नहीं। ये तो भूल गए हैं, बट आपको तो याद है ना कि आपके फादर हैं। इनकी सेवा करो, ऐसी बीमारी एकदम से ठीक नहीं होती, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक तो हो जाएगा, टेंशन ना ले डॉक्टर। ये लो 10 दिन की दवाई है, इनको बड़े प्यार से रखो और इनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। चल बाबू। किते मैं तो अपने घर बैठा हूँ। बाबू यो घर को नहीं, अस्पताल से चल। ठीक है डॉक्टर साहब। चल बाबू, चल बाबू। ये ट्रीटमेंट आपका। ये दवा समझ लो आप अच्छे तरीके से, ये सिरप है तो मैं लिख देता हूँ आपको। अरे ये 15 ml दिन में 2 बार, ठीक है? ये टेबलेट लेनी है सुबह आपको खाली पेट। ठीक है डॉक्टर। ये दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद। हाँ जी ठीक है। और ये भी आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद, ठीक है? दवाइयाँ प्रॉपर टाइम से लेना, परहेज रखना, ठीक है? और डॉक्टर साहब वो खान पीन का कुछ परहेज? खट्टे तली हुई चीज़ों का परहेज रखना, ठंडा गर्म का परहेज रखना, और पानी जो है गर्म करके पिलाना इनको, ठीक है ना? इनकी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना, हल्का खाना देना। कितने रुपये हो डॉक्टर साहब? ये हो गए इस पर आपके 4000 रुपये। 4000? गर्मी का टाइम है, थोड़ा सा खाने पीने का इनका अच्छा ध्यान रखना, ठीक है? जितना केयर करोगे उतने जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक, ये नेक्स्ट टाइम आप लेके आना साथ में। ठीक है। सब बाबू छोड़ दिया, खराब हो जाएगा। चल अपनी हिया। अपनी को नहीं, चल ले ले ना। चल बाबू घर चल।
अरे बाबा, आप गए नहीं अभी तक? आपका बेटा कहाँ गया? मेरा बेटा मनना बेरा कित गया? आप कौन सा बेटी? बाबा मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? आपका बेटा डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए लेके आया था, दवाई लेने के लिए। मुन्नु ले आया था? मेरे क्यों रहा? अरे बाबा कुछ नहीं, आप ठीक हो, आप अंदर चलो, आपका बेटा आ जाएगा। आजो बाबा, आप यहाँ बैठ जाओ। अरे डॉक्टर साहब, बाबा को फिर अंदर क्यों ले आए? दोपहर को दवाई लेके गए थे। मैं घर जा रही थी, बाबा बाहर बैठे हुए मिले मेरे को। लगता है इनका बेटा कहीं पे सामान लेने गया होगा। मैं घर जा रही हूँ। हाँ जी, इनका बेटा आएगा और इनको लेके जाएगा, तब तक इनका ध्यान रखना। ठीक है। ना मैडम, इसका बेटा गया, इसने छोड़ गए। ओहो, ऐसे भी नालायक बेटे होते हैं क्या भाई? नुकर तो मैंने थोड़ा पानी पिया दे। बाबू क्यों जानबूझ कर का बावड़ा हो रहा है? तेरा भाई को नहीं लागू, बेटा लागू सू। अच्छा तू मेरा बेटा लगे? तो मैंने बेटा थोड़ी चाय पिया दे। हे भगवान, खा लिया मैं किस बुड्ढे ने? खा लिया? मैंने खाना खा लिया? ना बेटे मेरा बेटा, पर मैं दास को हूँ। बाबा आपकी याददाश्त वापस आ गई, ये तो करिश्मा ही हो गया। बेटा तू क्यों कराया है? तो मैं भी के काम में आया था। चल घर चलेंगे, घर जाके बात करेंगे। ठीक है, वैसे आप बाबा को छोड़ दोगे ना घर पे? चला जाऊंगा बेटा, ये चिंता ना करे। कहो तो बाबा पुलिस में कंप्लेंट करा दूं आपके बेटे के खिलाफ, वो आपको ऐसी बीमार हालत में छोड़ के चला गया। ना बेटी, ये भी तो कि मैं करूंगा ना, वो मैं करूंगा। चल बेटा घर चलेंगे। तो ले तावड़ी से रोटी बना लूं। बाबू सबेरा भी भूखा चला गया था। अरे आओगा ना तो बाबू ने रोटी खुआ कर मान लूंगी, और जब ना रोटी खाओगा ना नू तो फिर मरी जाएगा। हे भगवान, मेरे बाबू ने ना तावड़ी से ठीक कर दे, कम तक मुझे बुढ़ापा सुख तक कट जाओगा। आलिए बाबू कित से? तुमने बुझो सु बाबू कित से? बुझ जाई ना, बाबू ने तो मैं बहुत परेशान कर दिया। मेडिकल पर दवाई दुकान लाग रहा था, पीछे मुड़ कर देखा तो बाबू मिले ही ना। मन तो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या बाजार में हर जगह ढूंढ लिया, डोल डोल के मेरे पैरों में दर्द हो गया, पर बाबू मैंने कितने भी नहीं मिला। ऐसा कैसे ना मिला बाबू? नू क्यों कर खोजा होगा? बाबू मिला नहीं मैंने, लेकर अपनी गैल गया था, तने तो बेरा था ना। बाबू की हालत से उसकी याददाश्त कमजोर से? याददाश्त कमजोर नहीं, याददाश्त तो गई। हॉस्पिटल में मैंने नू कहा था कि यो भाई कौन से, बता क्या करेगी सा बाबू का? क्या करेगी? बाबू की याददाश्त गई, आज तक गई थी, तेरी तो ठीक थी, तन तू तो पिछाने था अपना बाबू ने। जब बाबू ना मिला तो मैं क्या करूं? के बाबू गए नहीं, मर जाऊं? मरण की कौन कहता तने? क्या करूं? पुलिस में रिपोर्ट दियो, अनाउंसमेंट करवाइयो, करे तुम की मी मुठा का घर ना आगा। ए बावड़ी क्यों इन झमेला में पड़ा है? के करेगी रिपोर्ट करवा के? बाबू ना तने पहचाने, ना मैंने पहचाने, सारे दिन नाक में दम रखे से। शर्म तो ना आती होगी नहीं ये बात कहती आनी, ना मैंने पिछाने ना तने पिछाने, तेरे तो जन्म दे रखा है बाबू ने, आगे समझ में, औलाद से तू उसकी, शर्म तो ना हो तू नहीं बात कहती आनी। बाबू पूरे दिन दिमाग खराब करके रखे है, नू समझ ले बाबू तो अपने नाम का मर ही गया। तेरा नाम का मर गया? सुनगी एक बार सुन ले और छह बार सुन ले, मैं अपना भाई का फोन करूंगी और पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, मेरे बाबू ने मैं ढूंढ कर लाऊंगी, तेरा बस की कौन तो बैठ जाए। जा ढूंढ लिया, जा ढूंढ लिया, और दवाई तू ही दुआ के लिए और मन मनी की। क्यों कहूंगी मैं तने, चूड़ी पैर के बैठ जाया, मैं आप ढूंढ लिया मेरे बाबू ने। हाँ जा ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। राम राम भाई, के ठीक सु भाई? वो तेरा जीजा है ना, तेरा मौसान लेके गए थे डॉक्टर का दवाई दीवान। हाँ वे मेडिकल पर दवाई लेने लग गए, इतनी देर में देखा तो बाबू पीछान मिले ही ना। बेरा ना भाई कित होगा भाई, साची बताओ ना तो तेरा जीजा का तो एज है ही ना तेरा मौसा में। देख भाई बुढ़ा आदमी उस तरिया, मेरे तो जी को नहीं मांगे, एक काम करता आवली आ जा, मन तो रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ दोनों भाण भाई चालांगे, जल्दी कर का। ठीक से भाई।
बेरा ना बाबू, हे भगवान, बस मिल जाता उड़ी सी। कर दिया तन तेरा भाई दरो फोन, मानी नहीं, बीमारी तो पीछा छोड़ो मन्नी दिए के बाबू ले आके धोखा ही रहा है। बीमारी होगी तेरा नाम की, ठीक से मेरा ससुरा से बाबू बराबर है मेरा, और कर दिया भाई दरो फोन, घंटा लगे कि आवाज आए, और देखिए पुलिस कंप्लेन कर आऊंगी और लेकर आऊंगी मेरे बाबू ढूंढ के। ओहो भाई दरो फोन तो तेने नू करे है, जनो बाबू बाहर नहीं खड़े है, जब ती तेने मिल जाएगा। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये सारे कर्म ना तेरे कर रोड़े हैं, दिखे समन है ठीक से, तो ये कितने कितने छोड़ आया बाबू ने, और पुलिस रिपोर्ट तू क्या बाबू के ढूंढने के करवा कहूँ? मैं पुलिस रिपोर्ट करवा कहूंगी तेरी, अपना बाप ने तू खुद छोड़ आया से, आगे समझ में? के छोड़ आया हूँ? बाबूली तो ना है तू, के तेरा ही बाबू है, मेरा बाबू नहीं लगता। तेरा बाबू? अरे भगवान भी दुखी है तेरे जैसे औलाद देखा ना, ठीक से मेरा बाबू कौन लगता, तेरा बाबू लगा था तुम तो आ घर ना जाए अकेला, तन शांति मिल जाए घर में आके, ढूंढ के ला बाबू ने कहल। यो आलिया दत्तू बहु, हाँ देख लिए होंगे तुम तेरे राम के लक्षण? देख लिया बेटा लक्षण तो मैंने। एक काम करता हूँ, फिर तब वो यादाश जाने वाला रोल खंडा दे और उसाए बावड़ा बन जा, इब और दिखाई दूंगा तने। बन जाऊंगा मैं, बहुत किम देखना बाकी रह रहा हूँ। ठीक सर, चल आ जा, ले तो पकड़ लूँ तुम। चल चल एक बात ध्यान रखिए, जब रिपोर्ट में मेरा नाम आ गया ना तो अच्छी नहीं रहेगी। डर तो इसी बात का है, रिपोर्ट में मेरा नाम आ गया ना तेरे के पतंगे लाग रहे हैं बाबू। मर ले भाई, फिर आ गई बीमारी, ये कौन उठता गई इसमें? बाबू आ गया, बैठ जा आराम से। कि चला गया था? जा कितना भाभी बाजार में अंडा था केवरा कित का कित कट कमरे तो शुक्र मंदी क्या मत लिया है इसने घरा। बाबू ठीक सो, देवर बहुत बहुत धन्यवाद थारा जो थम बाबू ने घर ने लिया है ना, तो मैंने भी अपना भाई द्वारा फोन करया और वह आ जा और मैं जाऊं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाण। हाँ रे तू तो बहुत घटिया निकलिया रे, वो तो दिखाई दिया था ना कौन घटिया से। कौन घटिया निकला के बात है, ये तो ना घटिया दिखाई दे से। इसी ने मेरा तो सलाह दी थी अब तेरे बाबू की यादाश्त कमजोर है, इसने छोड़ा यो बुढ़ापे में तमने और तंग करेगा। वाजी वाह, इसने सलाह दे दी और तने सलाह मान ली, तू तो सही गंदा, और देवर तुम तो इससे भी ज्यादा गंदे हो। भाभी मैं गंदा हो ना तो इसने घर ना लेके आऊ है, इसका गैल गैल जा लिया था मैंने, बेरा था यो तब ने छोड़ कहा होगा। इब कौन रखेगा इस बीमारी ने? मैं बीमारी कोनी, मैं ठीक सू समझा, इब मैं ठीक हो गया और मेरी यादा सुलटी आएगी, पर तन्ने जो कराया है ना यो बहुत घटिया कराया है। मैं दुनिया का गनू कहा करता मेरा बेटा राम, मेरा बेटा राम, पर तू तू तो राक्षस निकले राक्षस। एक वो राम था जो अपने बाप के कण पे सारा राजपाट का ठोकर मार कर 14 वर्ष का वनवास चला गया था, और एक तू तब तक घटिया किसी वाला तो भगवान किसन नहीं थे, किसन नहीं थे बाबू रो मन्ना, किसन नहीं थे जी औलाद भगवान भाई। रही बात सलाह की, मन्ना ज्यादा दी थी सलाह तो आया कि मैं तुम मेरे बाबू आगे के क्या करता। हाँ बेटा मेरा सारा याद आ गया, मैं तेरा बाबू आगे तेरी कटास कराया करता कि तेरा बेटा घटिया, और मैं इसका बारा में हमेशा पूरा गांव का बड़ाई करता कि मेरा बेटा राम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पर यो तो दुनिया का सबसे घटिया बेटा निकला, सबसे घटिया योला दौड़ तो पहले तुम पर क्यों न गया तू निकम्मा, तेरे याद को नहीं ओढ़ पड़ा था ओढ़, तेरी मात ने मर मर के छोड़ दी थी, बढ़ती बढ़ती मैंने मुकाने वाला काट काट के तैरता है खोया था, तेरे बाग तेरे सब कैप पड़ी पीड़ दिया सब कैप, मैं तेरे दर नहीं रहूंगा, इब मैं बर्दाश्त नहीं मुझला जाऊंगा ना बाबू, ऐसी तो बात मत करो, थारा बेटा ही तो निकम्मा है, मैंने कभी छोड़ी थारी सेवा पानी करण में, मैंने भी छोड़ के चले जाओगे तम धाओ घर में रहो, मैं थारी सेवा पानी करूंगी। बाबू मैं माफ कर दे, बाबू मैं माफ कर दे, मेरे आँखें कलयुग का चश्मा चढ़ गया था बाबू। बैठ जा बाबू, ऐसी बात मत करो, तुम ठीक हो गए ना मारी खातर, वो ही ठीक से रो मत ना, आगे आ जा कल ए? दुनिया में ना माँ बाप तो बढ़कर किमें नहीं है।
आगे मेरा कल। और यो तो शुक्र ये लिया आया देवर घर ने, और जब ना लेकर आओ कितनी मर जा तो सारी जिंदगी तेरी आत्मा दुखी पावर गाली देवा पड़ा आपने। भाई आखिरकार तेरा बाप से किसी के बकाए मना ही आगे थे। बाबू मैंने माफ कर दे बाबू, आज के बाद इसी गलती ना करूंगा बाबू। बाबू माफ कर दे बाबू मैंने। बाप तो फिर भी बाप हो से, माँ बाप अपनी औलाद ने दुखी देख कर राजी को लियो, कदे भी औलाद दुखी हो जाने माँ बाप का गलत ना बढ़ गया है बेटा। ठीक से तने तेरी गलती का एहसास हो गया, पर आगत है इसी ना कर दिए नहीं तो जितते जी मर जाएगा, हर कोई माँ बाप जितते जी मर जाएगा। इसी ना कर दिए बेटा। भाइयों मेरे से तो यह गलती होगी और तमाज के बाद यह गलती ना करियो। माँ बाप ठोकर मारण के नहीं, माँ बाप तो सिर पर बठान सके हुए हैं, और मन ने जिसी गलती करी तम इसी गलती भूल के भी ना करियो। और बुढ़ापे में माँ बाप सेवा के हकदार हो जाए, उनकी सेवा करो, दौलत के हकदार ना होते, उनकी सेवा करो जितनी हो सके, उनके बचे कुचे जिंदगी अच्छी तरह से बीतते हैं, ऐसा काम करो। आप कर रहे थमने भी बुढ़ा होना था, इस चीज का ध्यान रखियो। ये आजकल के बहू बैठे मंदिर में जाऊंगे देवता ने पूजेंगे, देवता पूजन में कुछ नहीं है, घर में बुढ़ा बुढ़िया है ना उनकी सेवा करो अपने माँ बाप की, वे ही भगवान है थारी खातर, वे ही तीर्थ है। डीएचएम संस्कार देखने वाले सारे दर्शकों ने हमारी पूरी टीम को दे राम राम। दर्शकों ये एक छोटी सी कहानी जिसका टाइटल था कलयुग का राम बाबू का वनवास, जिसको लिखा था सुरेश मान मंदोला ने। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी में हमें दर्शाने की कोशिश की है आखिर घर में माँ बाप बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, आखिर उसके वो हकदार होते हैं और इसी दिन के लिए उनकी परवरिश करते हैं। तो एक बोलिए, इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले शनिवार को फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए राम राम।